अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ फ़हीम भाई के साथ। फ़हीम भाई ने लास्ट वीक में अपना किया है ड्राइविंग लाइसेंस पास लास्ट ट्यूसडे को। तो सबसे पहले तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिलने की खुशी में जो है ना पूरे पाकिस्तान की तरफ से मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा था, आज ट्यूसडे है, तो इन्होंने जाना गाड़ी भी ले ली है माशाल्लाह से। तो फ़हीम भाई आपको गाड़ी की भी मुबारक हो। और अभी देखेंगे फ़हीम भाई जो है ना वो गाड़ी लेके निकले और कंफ्यूज हो रहे हैं और रोड पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है ना आवाम रोड पे आने नहीं दे रही है। फ़हीम, हाउ वाज योर जर्नी विद द गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस? अल्हम्दुलिल्लाह, जर्नी स्मूथ था मेरा, जितना टाइम लगता होता है बस उतना ही लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए तो ठीक है, आई एम क्वाइट हैप्पी। तो आपको भी कितना टाइम लगा, मतलब स्टार्ट कौन से मंथ में किया था? लाइसेंस के लिए? लाइसेंस मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर में स्टार्ट किया था मैंने, और मुझे मार्च में लाइसेंस मिला। अच्छा, फोर मंथ्स लग गए ऑलमोस्ट। और इन फोर मंथ्स में क्या क्या किया? सबसे पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया? सबसे पहले स्कूल के साथ रजिस्टर करवाया, उसके बाद इनके जो अथॉरिटीज होती है उनके साथ रजिस्टर करवाना होता है, उसके बाद आपने थ्योरी की मैंडेटरी क्लासेस होती है वो जर्मनी में आपने लेनी होती है, वो ली। उसके बाद जो है हमने क्या किया, उसके बाद थ्योरी क्लासेस पूरी हो तो फिर थ्योरी का एग्जाम दिया। थ्योरी के एग्जाम के बाद फिर प्रैक्टिकल क्लासेस ली, मैंने तकरीबन 11 क्लासेस लिए, 11 सेशंस लिए। उन 11 सेशंस के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो टेस्ट के लिए, टेस्ट दिया और उन्होंने उधर ही जो है टेस्ट अगर आपको पास होता है तो वो उसी टाइम जो है ना आपको लाइसेंस हाथ में पकड़ा देते हैं आपके। तो वाले जो थ्योरी वाली क्लासेस के साथ साथ हम प्रैक्टिकल क्लासेस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन मैं 4 या 5 क्लासेस के बाद ना ले सकते हैं। मैंने लिया था, मेरी जो थी ना ड्राइविंग स्कूल की जो थी मैनेजर जो थी उसने मुझे कहा था बेहतर है कि ले लो ताकि आपको ना थोड़ा सा सिनेरियो उसका पता लग जाता है, तो इसलिए उसके कहने पर मैंने 2 क्लासेस ली थी थ्योरी के एग्जाम देने से पहले। तो आपने कितनी जो है ना टोटल क्लासेस ली हैं प्रैक्टिकल वाली, और वो कितनी रिक्वायरमेंट होती है? क्लासेस मैंने ली है 9 ली है, 14 उसने कहा था कि लेनी होती है, लेकिन मैंने 9 लेके मैंने एग्जाम जब पास किया ना तो उसने कहा कि अब आपको जरूरत नहीं और लेने की। सही। तो मैंने कहा ठीक है, जब उसको नहीं है तो फिर मुझे क्या जरूरत है। सही, इसलिए वो बेसिकली सिर्फ स्कूल का ना एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है, बाकी वो उनका वो कोई ऐसा जो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इतनी क्लासेस लेनी है। थ्योरी का नहीं है, प्रैक्टिकल का कुछ है कि आपने ना 8 या 9 क्लासेस है वो मैंडेटरी होती है, उसके बाद आप जितनी मर्जी लगाना चाहो। तो ये ड्राइविंग आप कर रहे हैं इधर जर्मनी में, अब लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है और पाकिस्तान में आपका सारा एक्सपीरियंस है राइट हैंड साइड वाला, तो क्या आपको जो है ना डिफरेंस फील होता है सबसे पहले, और कितनी टाइम लगा आपको एडजस्ट होने में, और यहाँ पे रोड साइंस और रोड रीड और वो सारी चीज़ में कितना टाइम लगा? मैं 2-3 क्लासेस के बाद ना मैं रेडी हो गया था चलाने के लिए गाड़ी इस साइड पे, मतलब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैंने इससे पहले भी दुबई में चलाई थी गाड़ी, इससे पहले नॉर्वे में चलाई थी, तो उसमें ये था कि वो भी इसी साइड पे है इसलिए इतना ज्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है, मतलब इसके कंट्रोल्स वगैरह जो है ना वो ऑपोजिट साइड पे, अगर पाकिस्तान में चलाते रहो ना गाड़ी तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, लेकिन ठीक है, मतलब सही है, इतना कोई खास नहीं हुआ। तो उसे कहते हैं आगे से चक्कर लगा के आ जाते हैं आप कितने में? तो उसे मुझे ये बताएं कि जब प्रैक्टिकल टेस्ट देने जा रहे थे उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था और क्या आपने सुना हुआ था, और आपका फीडबैक क्या है कि क्या चीजें जो है ना करनी चाहिए कि बंदा जो है ना बस कॉन्फिडेंस में रहे और ड्राइव करे, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है, बट दैट्स इट, इसके अलावा कोई चीज नहीं है ना, अब हम ना सीधा नहीं जा सकते, अब हम इधर ही जा सकते हैं। चलिए हां ठीक। तो अच्छा, टेस्ट हो गया, ड्राइविंग क्लियर हो गई, टेस्ट पास हो गया, अब आपने जैसे एक वीक के अंदर गाड़ी भी ले ली, उसके बाद ना आपको जो है ना सुकून वाला फैक्टर वो नहीं है आपके, मतलब मेरे में तो बिल्कुल नहीं था, मुझे चाहिए थी गाड़ी, तो मैंने तो किसी तरह इसको ढूंढ के निकाला है गाड़ी को, मुझे अच्छी गाड़ी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और बस फिर मैंने यहाँ पे गाड़ी अगर लेनी हो तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कैसे गाड़ी ली जाती है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे तो अच्छे से अच्छा ऑप्शन भी है और बुरे से बुरा ऑप्शन भी है, सस्ते से सस्ता ऑप्शन भी है, और मतलब मीडियम भी है। अगर आपने मतलब मैंने जो गाड़ी देख के लिए ना वो मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है, और मैंने ना लॉन्ग टर्म सोच के लिए, मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड कार, और मतलब 5-1 साल तक ना मुझे तक तंग ना करे गाड़ी, तो मैंने इस तरह सोच के लिए, और मैं कोई बहुत हाई एंड ब्रांड्स में नहीं गया जो जिनकी ना मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मैंने वो फिलहाल अवॉइड किया। जब अल्लाह ताला सैलरी वगैरह अच्छी देगा ना तो फिर इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएगी। तो अभी जो है ना फ़हीम भाई ने लिया मज़दा की CX-5, ऐसे ही
बिल्कुल ऐसे ही है। और जो है ना, आप क्या समझते हैं कि कितनी गाड़ी चली हो तो वो रीजनेबल होती है, माइलेज क्या होनी चाहिए? 2015 तक मॉडल हो जाए, अभी अभी करंट ईयर के हिसाब से 2015 तक मॉडल हो जाए, और इसके अलावा लाख एक चली हो तो वो मेरे हाथ से ठीक है। इससे ज्यादा अगर चली हुई ना तो फिर वो भी ठीक ही होती है, मतलब इतने बहुत मसला नहीं है उसमें। लेकिन बात यह है कि वो फिर आपको ना जरा ज्यादा उसको अटेंटिवली देख के लेनी पड़ती है, मतलब इतनी चली हुई गाड़ी हो शोरूम से लो आप तो वो ठीक है, उसमें कोई इतना खास मसला नहीं है। चलिए गुड, चलिए ये आज हमारी डिस्कशन थी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, और फहीम भाई को एक दफ़ा फिर जो है ना मुबारक लाइसेंस की भी और गाड़ी की भी। तो फहीम भाई अल्लाह ताला आपके लिए गाड़ी मुबारक करे, और आप इस वाली गाड़ी पे जो है ना पूरा यूरोप घूमें और ये आपको तंग ना करें। तो इसके साथ ही हम अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।